नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसी जमाने में जय श्री राम का नारा एक धार्मिक नारा हुआ करता था, लेकिन अब जय श्री राम का नारा अब डराने वाला आतंक का पर्याय बन चुका है। पहले जय श्री राम का नारा हम सुनते थे तो एक धर्म का एहसास होता था, एक अच्छी भावना का एहसास होता था, लेकिन अगर अब आज के जमाने में जय श्री राम का नारा सुनते हैं तो लगता है कि कहीं से कोई गुंडे तो नहीं आ रहे हैं, जो तोड़फोड़ करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। और जय श्री राम का नारा बोल करके एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और जय श्री राम का नारा बोल करके पुलिस की मौजूदगी के में एक गुंबद के ऊपर, एक मस्जिद के गुंबद के ऊपर चढ़ करके वहां पर गुंडे जो हैं वो किस तरह से मस्जिद को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, भीड़ इकट्ठा थी और ये भीड़ एक मस्जिद के सामने पहुंच जाती है। मस्जिद के सामने पहुंच करके इस भीड़ ने जो तांडव मचाया है वो सबके सामने है, और सबके सामने इस बात, ये बात जो है एक बार फिर से उजागर हो गई है कि जय श्री राम का नारा अब इस देश में एक धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि एक उन्माद का नारा बन गया है। जय श्री राम का नारा, आप खुद से देखिए कि किस तरह से जय श्री राम के नारे वहां पर लग रहे हैं, और कुछ युवक जो है वो मस्जिद की इमारत पर चढ़ करके वहां पर मस्जिद का लगा हुआ हरा झंडा उखाड़ करके भगवा रंग का झंडा लगा देते हैं, आप खुद देखिए। शामिल इन लोगों ने सबसे पहले वहां से हरा झंडा हटाया, उसके बाद में भगवा झंडा वहां पर लगा दिया, और उसके बाद में वहां पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, और विश्व हिंदू परिषद के नारे लगाए, और मस्जिद के गुंबद की तरफ बढ़ गए। आप ये भी देखिए। और सबसे अचरज की बात यह है कि यह सब कुछ हो रहा था पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस की वहां पर मौजूदगी थी, पुलिस की जिप्सी खड़ी है, बाकायदा पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है, और पुलिस की मौजूदगी में यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। आप देखेंगे किस तरह से एक तरफ युवक जो है, इस वीडियो में नजर आएगा आपको कि एक युवक जो है वो गुंबद के ऊपर चढ़ा है, और उसके हाथ में एक डंडा रूपी जो है, डंडा है या सरिया है ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो लेकर के उस गुंबद को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और पुलिस ठीक वहां पर नीचे मौजूद है। अब इस घटना को लेकर के क्या कहा जाए? क्या यह कहा जाए कि ये लोग जो है वो वहां पर चंदा लेने गए थे, या ये कहा जाए कि ये लोग भीड़ इकट्ठा करके डराने के लिए, धमकाने के लिए और वहां पर एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए गए थे? और क्या अब देश भर में इसी तरह से नए नए उदाहरण निकल करके सामने आएंगे जहां पर भीड़ इकट्ठा होकर के चंदा लेने के लिए जाएगी और रास्ते में जो भी मंदिर मस्जिद दिखेगी उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या ये नया जो है वो इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है? और मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, कुछ दिन पहले का, तीन चार दिन पहले का ये वीडियो है। तीन चार दिन पहले मुख्यमंत्री साहब एक समारोह में थे, और उस समारोह के अंदर कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री अब फॉर्म में हूं, और जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। मुख्यमंत्री की वैसे एक ये भाषा होनी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री साहब जो है वो माफियाओं को धमकाते हुए जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो तेवर वो दिखा रहे थे, क्या वो तेवर इन गुंडों के ऊपर वो दिखा पाएंगे? आप खुद से सुनिए कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का
रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाओं के जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है और क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? उनकी कलम, उनकी तलवार, उनका हथौड़ा क्या इन पर चल पाएगा, इन गुंडों के ऊपर चल पाएगा जो वहां पर सीधे सीधे जो है वो एक मस्जिद को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं और मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया भी है, जो सीधे सीधे तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हमने सलमान निजामी से बात की है कि इस मुद्दे को लेकर के वो क्या सोचते हैं, आप ये भी सुनिए। देखिए, जो इंदौर का आज हादसा हुआ है, जो मस्जिद पे हमला हुआ है, ये बहुत शर्मनाक है और ये देश की छवि को खराब करने की कोशिश जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर को लेकर आया तो देश के हर मुसलमान ने उसका स्वागत किया, उसको एक्सेप्ट किया, कोई दंगे नहीं हुए, कोई नफरत नहीं फैलाई गई। और ये लोग जो आज राम मंदिर के नाम पे चंदा जो है जमा करने गए थे और वहाँ मस्जिद पे हमला किया और जो जय श्री राम के नारे, जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट वहाँ इशू हुए, ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं? ये फिर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये देश जो है ये गांधी की विचारधारा को मानने वाला देश है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है, बाई बाई इस नारे के साथ ये देश मजबूत बना था और बनेगा भी। और ये लोग जो ये देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये साफ है कि भाजपा सरकार इन लोगों को शील्ड कर रही है, इनको बचाने का काम कर रही है, क्योंकि उनके पास पिछले 6 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड आप देखिए कि उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया है विकास का? आज हमारा किसान जो है सड़क पे है, इस कड़ी ठंड में जो है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे किसानों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे किसान जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, इकोनॉमी हमारी -5.5 पॉइंट से नीचे आ चुकी है। तो इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाई जाए और उनको चुनाव में फायदा मिला जाए। लेकिन ये आपने देखा होगा कि राज्यों में भाजपा की हार हुई है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी हुई और आगे भी उन ताकतों की हार होगी जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश करेंगे। जानकार लोग ये बता रहे हैं कि सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन में फंसी हुई है और किसी ना किसी तरह से एक नया बखेड़ा खड़ा करके लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती है ताकि मीडिया की कवरेज जो किसानों को मिल भी रही है थोड़ी बहुत, वो सारी कवरेज वहां पर चली जाए, लोगों का ध्यान पलटी हो जाए। और इसीलिए जो है वो इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं उन लोगों को आजाद कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि इसी तरह से इन लोगों ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तनिष्क की एड आई थी, तनिष्क ज्वेलर की, और उसमें एड में जो है वो एड उन्होंने हटानी भी पड़ी थी तनिष्क ज्वेलर ने, क्योंकि हिंदू मुसलमान का रूप उसको एड को दे दिया गया था। तब भी इन लोगों ने वहां पर शोरूम में पहुंच करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पर उपद्रव किया था। तो सवाल यह उठता है कि इंदौर जैसा साफ सुथरा शहर, जो भारत में सबसे नंबर 1 साफ सुथरा शहर माना जाता है, उस शहर में इतनी गंदगी क्यों? इतनी गंदगी क्यों? और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरकार वो क्या कर रहे हैं? उनकी जो जुबान है क्या इन गुंडों के ऊपर काम करती हुई दिखाई देगी? या फिर यह मान लिया जाए कि ये इन लोगों को आजादी दी जा रही है, इन लोगों को छोड़ा ऐसे ही जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करिए ताकि लोगों का ध्यान भटक करके आपके मुद्दे पर आ जाए और जो मुद्दा चल रहा है, जो बड़ा मुद्दा है, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।